हे आज है 9th मार्च। गुड मॉर्निंग। तो प्लांट को क्लीन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि लाने के बाद मैं सारे लीफ को क्लीन नहीं की थी। तो ये इंडोर प्लांट है, रबर प्लांट, जो कि मैं अपना बेड साइड में रखी हूँ। तो अभी जगह फिक्स्ड नहीं है। इसके पत्ते को अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद उसमें पानी वगैरह दे के टेक केयर करना होगा। इससे अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा उसको। और ये आउटडोर प्लांट में एक एक फ्लावर आया है, गेंदा वाला फ्लावर। कुछ कुछ फ्लावर मैं पूजा के लिए भी उठाई थी, तो कुछ कुछ फ्लावर है। इसमें मिट्टी भी डालना है, मिट्टी थोड़ा कम है। तो काफी अच्छा लग रहा है ना गार्डन देखने में। लंच में है ड्रम स्टिक, आलू बैगन का सब्जी, पापड़ फ्राई एंड अचारी सलाद। अचारी सलाद एंड यहाँ राइस। ये बैठ गया है खाने और बेटा यहाँ पर पापड़ खा रहा है। आज ये कपड़ा नहीं पहना है, ऐसे ही खा रहा है। नंगू पंगू बैठा है। चलो खाओ। दाढ़ी देखे थे, दाढ़ी दाढ़ी। पापा, बेटा, मम्मी सबका मस्ती हो रहा था। अभी रेडी होंगे क्योंकि अभी हम लोग निकलेंगे। बोले 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 बोले। तुम्हारा तो दाढ़ी नहीं है ना? ओ, उसका पापा दाढ़ी से उसको ऐसे से किया ना, तो मेरा को भी आके कहेगा। तो अभी हम लोग, अभी मैडम हो रही है रेडी। मैडम बोल रही है कि हम रेडी हो गए हैं लगभग। मैडम जब रेडी होकर एकदम गेट पे जाके बोलती है कि हाँ चलो बैग वैग लेके कि हम रेडी हैं, तब मैं मतलब ड्रेस पहनना चालू करता हूँ। क्योंकि मुझे 5 मिनट लगता है। अभी मैं रेडी होके बैठा रहूंगा और देखें उसका टाइम लगा आधा घंटा। उससे अच्छा आराम से बात करेंगे। पापा कुछ बहुत ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती है, थोड़ा बहुत लिपस्टिक काजल बस, इसमें ही है ना, बाल झाड़ने में बस आधा घंटा लग जाता है उसको। ठीक है, इसीलिए मैं कभी कभी मतलब पूजा वूजा में जब जाते हैं तो साड़ी पहनने बोलते नहीं। साड़ी अगर पहने तो 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा उसको शादी साड़ी के लिए। उसको भी काजल लगाना है। मम्मी को तो काजल लगाना है, उसको भी काजल लगाना है। लगा दिया थोड़ा सा काजल। BTS बॉयज में एक लड़का है ऐसे ही, इसका हेयर ऐसे ही आंखों को ढका हुआ रहता है। वो दिखाई देता है कि नहीं पता नहीं उसको, कैसे रहता होगा यार इरिटेटेड। मुझे लगता है यार नाक में खुजली होने लगा यार। कंप्लीट हो गया है मेरा मेकअप। चलो अभी रेडी हो जाता हूं। ये शॉर्ट्स पहन के ऐसे घूम रही है। अब अभी रेडी हो जाओ। अरे सिंदूर पहने का बोल रहा है। अरे सिंदूर पहने का बोल रहा है। हां, उसको कहां लगाना है अभी? देखो तोड़ दिया तुम्हारे हाथ से। जा, फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5, तो चलो। आ गए हैं फाइनली हम लोग कायम और फ्रेंडशिप गार्डन में आए हैं। फाइनली पुणे का ट्रैफिक क्रॉस करके पहुंच गए हैं। तो घर से निकले थे हम लोग 5:10 में और अभी 6:30 बज रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उधर छोना बाबा का पावर नैप हो गया, पावर नैप लेके उठ गया। चलो इधर चलो, इधर इधर चलो। ये है ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन। इसमें पर पर्सन 5 रुपीज़ टिकट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और आफ्टर 5 ईयर्स के बाद आपको चार्जेस लगेगा टिकट। ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है, सारे कुछ आप नोट डाउन कर सकते हो। काफ़ी नीट एंड क्लीन गार्डन है। चलिए देखते हैं आगे। मैंगो कोई कुथा अच्छे मैंगो बेबी मैंगो अच्छे बेबी मैंगो आ जाओ। चलो ऐसे ऐसे दिखे चलो। टिकट 5 रुपए 5 रुपए टिकट। हाँ अच्छा है, मेंटेन रखना चाहिए चार्जेस लेके भी।
तो फर्स्ट टाइम आए हैं, देखते हैं क्या क्या है। अभी हम लोग वहां पर जाएंगे देखने के लिए। ओहो जितना है बाबा, अगर नेचर लवर है तो आ सकते हैं, काफ़ी ग्रीनरी है, टाइम स्पेंड के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, बच्चे के लिए, कपल्स के लिए, फैमिली सारे कोई आ सकते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा पीस एक जगह है, नेचर है, ग्रीनरी है, क्लीन है, बहुत अच्छा जगह लगा मुझे, आ सकते हैं आई डेफिनेटली। जगह है कि यहाँ पर घंटों टाइम स्पेंड किया जा सकता है, एकदम सुकून की लाइफ मिलेगा यहाँ पर नेचर के साथ, ठंडी ठंडी हवा, नेचर, ग्रीनरी, क्लीन प्लेस, काफ़ी अच्छा लग रहा है टाइम स्पेंड करने के लिए, बेस्ट जगह है। तो अभी हम लोग का हो गया है घूमना, अभी हम लोग बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं। बाहर निकलने के टाइम हम लोग को मिल गया एक बैठने का जगह, एक्चुअली बैठने का जगह बहुत सारा है बट सारे इंगेज है, तो एक खाली मिल गया हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग बैठ के थोड़ा सा मस्ती कर रहे, मैं और मेरा बेटा और हस्बैंड मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ वहाँ भाग जा रहा, मैं उसको पकड़ के रखी हूँ और यहाँ पर भी उसको बोल रहा कि मुझे आदर कर दो, आदर कर दो, पैम्पर, हर टाइम उसको पैम्पर चाहिए। तो यही चल रहा है हम लोग माँ बेटा दोनों का, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे, थोड़ा तो रेस्ट ले लिए, यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर टाइम है 4 से 8, तो अभी आई थिंक 7:30 बज रहा है, तो निकलते हैं। ऐसे गार्डन में ऐसा कुछ है नहीं बट टाइम स्पेंड के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, फोटो स्टेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, बच्चे के लिए खेल कूद के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम आए हैं, अच्छा ही लगा। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बज रहा है 7:30 ना, हाँ यहाँ से निकल रहे हैं, कॉफी पियेंगे जाके। पुणे का ट्रैफिक,
लेके आए, कार लेके नहीं आए क्योंकि पुणे का इतना ट्रैफिक है, कार में और ज्यादा लेट हो जाएगा। आ गए यहाँ पर रिफिल करने, पुणे जाओ भरने के लिए। बाद हम लोग निकल गए, बीच में हम लोग कॉफ़ी खोजते गए बट कॉफ़ी हम लोग को मिला नहीं। टाइम भी हो रहा है, काफ़ी ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए हम लोग डायरेक्टली घर जा रहे हैं। और उसके बाद बेटा को थोड़ा सा टॉयलेट कराना था, एक जगह में हम लोग रुके, बेटा को टॉयलेट कराए और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली घर के निकल गए। घर में जाके बात करते हैं। आ गए हैं, अभी बज रहा है घड़ी पे 10:30। इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, ट्रैफिक के कारण हम लोग को इतना ज्यादा लेट हो गया। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश वगैरह होके, खाना बनाना है, रोटी बनाना है, सब्जी बना हुआ है तो रोटी बनाएंगे, 2-2-2-4-8 बनाएंगे रोटी, रोटी बना के रोटी खाएंगे सब्जी के साथ और बेटा को दूध के साथ दे देंगे। और वो लोग फ्रेश होके रूम में बैठ गया है और मैं भी बनाने जाती हूँ, मैं फ्रेश ना होके आती हूँ। पर्पल से आया है ये बॉक्स का सॉस, मैं बनाई हूँ ऑलरेडी, देख लीजिएगा। इसमें है एक है एल्ब गुडनेस का लिकोरियस पाउडर एंड एक है आमला रीठा सिकाकाई पाउडर, एक है गुड वाइब्स का बनाना शाइन शैम्पू एंड देन एक है लिप बाम और एक है बॉडी स्प्रे। ये सारे प्रोडक्ट का जरूरत था, ये सभी मंगाए हैं। तो बॉक्स अनबॉक्सिंग कर लिए हैं, हेयर प्रोडक्ट परचेस की हूँ, इससे क्या क्या करने वाली हूँ सारा कुछ आपको ब्लॉग में दिखने को मिलेगा, ब्लॉग चेक करते रहिएगा। तो चलिए आज वाला वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज काफ़ी टायर्ड लग रहा है, बाय बाय कल।